अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप राजा जी के साथ, और आज जी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नॉर्वे के अंदर जॉब की सैचुरेशन हुई है कि नहीं हुई है, कितनी हुई है, जॉब मार्केट के क्या हालात हैं। तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस है और बहुत आसान है यहाँ पे नौकरी लेना, और बल्कि ये आसान ज़्यादा और आसान हो रहा है। ये भी मैं आपको बताऊँगा आसान क्यों हो रहा है। तो फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ, आपको किसी पे किसी की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं कि नॉर्वे में इस वक्त कितनी वैकेंसीज फार्मासिस्ट के लिए मौजूद हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने ये लिंक निकाले हुए हैं और अभी मैं आपको जाता हूँ। ये आप ये जो नॉर्वे की सबसे बड़ी चेन है, इसको बोलते हैं एपोथेकेन। तो इसके अंदर वैकेंसीज मैंने पहले लिंक जो है ना, वो ये लिंक वगैरह ये मैं शायद वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप ये लिखेंगे वैकेंसीज इन द एपोथेकेन, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 185 वैकेंसी इस टाइम फार्मासिस्ट की मौजूद है। थोड़ा सा आपका दिल को और ज़्यादा तसली देने के लिए कहूँ कि आज से 4 साल पहले जब मैं फील्ड में एंटर हो रहा था, तो उस टाइम ये वैकेंसी तकरीबन 60 के करीब होती थी, और बंदा फौरी मार्केट में एंटर हो जाता था। अभी तो अल्लाह का करम है, 185 यहाँ पर पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। अब ये आपको यकीन की वैकेंसीज है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये दूसरी जो बड़ी चेन है उसको, वो है वितूस एपोथेक। ठीक है, तो इसकी मैं आपको बताऊँ कि इसमें कितनी जॉब्स मौजूद हैं। अब ये देख लें आपके, इसमें भी 28 फार्मासिस्ट की लगी हुई हैं, नीचे फिर 11 फिर फार्मासिस्ट की लगी हैं, और इस तरह के फुल टाइम भी लगी हैं, पार्ट टाइम भी लगी हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह इसकी एक तीसरी बड़ी चेन है जो उसके बारे में शायद सारों ने सुना भी हो, ये बूट्स एपोथेक है। तो ये अब ये देखें 35 जॉब एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई हैं। ठीक है, अभी इस हाल में भी 35 मौजूद हैं। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वैकेंसीज जो हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी वैकेंसीज है, ये ऊपर लिखा हुआ है ऐसी की हूस एपोथेक। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि सी की हूस कहते हैं हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसीज मौजूद हैं। तो ये ऊपर का नॉर्वे का सिर्फ एक पार्ट लिखा हुआ है, नॉर्वे के 5 पार्ट में तकसीम है। तो ये ऊपर लिखा हुआ कि नॉर्वे का जो मिथ नॉर्वे है, और या मतलब 5 सूबों में से जो एक सूबा है उसके अंदर ये है। तो इसके अंदर भी आती रहती हैं, हमारी ज़रा तो ज़्यादा तवज्जो कम्युनिटी की तरफ होती है, या एपोथेकेन की तरफ होती है, वितूस की तरफ होती है, या बूस की तरफ होती है। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा मौजूद है, स्पेस बहुत ज़्यादा मौजूद है, और अल्लाह का करम है, और ये दिन ब दिन बढ़ ही रही है। क्योंकि ये प्रोफेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो जितना ये डेवलप हो रहा है इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और यह है कि जब यहाँ पे आए, अगर इरादा कर लिया तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ से घबराना नहीं है कि यहाँ पे जो है नौकरी करें चलोगे मसा, जब आएंगे तो अल्लाह पाक जो है वो हाथ पकड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 100% जो है वो कामयाबी का रेट है और शरा, और सारों को अल्लाह पाक यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। जिसका नसीब लिखा अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रूर होता है, बल्कि सारे ही होते हैं, और सब इंशाल्लाह हो जाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।